नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के इस विशाल प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों का है MCG अकेडमी, तो यहां पर भी आप लोगों को रेगुलर जो है प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल का नाम है प्रमोद सिंह रावत, यहां पर आप लोगों को फॉलो कर लेना जिससे आपको रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आज जो अपना मेन टारगेट जो आप लोगों का है वो है आप लोगों को एनर्जी पढ़ना है ना। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं उन क्वेश्चन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आप लोगों को देख रहे होंगे वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिलहाल हमको जो है क्वेश्चन की शुरुआत करना है, अपना एक्सप्लेनेशन शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। कंप्लीट क्लास के दौरान हमको जो सबसे पहले तैयार करना है वो मैं आपको पता है कि क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ तो आपको फैक्चुअल चीज़ें ही पढ़ाऊंगा, है ना। एक्सप्लेन कोर्स तो करवा नहीं रहा हूँ, तो क्रैश कोर्स में आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जिन चीज़ों पर मैं टिक लगाता हूँ उनको आप लोगों को या तो नोट कर लेना है या याद कर लेना है। पहला जो आप लोगों का फैक्चुअल है कि राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र आप लोगों कहाँ है, तो कभी भी पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग अपना आंसर टिक करोगे कहाँ स्थित है, भाई नेपानगर में, नेपानगर का चांदनी। नेपानगर में जो आप लोगों का ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है वो राज्य का पहला जो है ताप विद्युत ग्रह है। ये जो आप लोगों का कब स्थापित किया गया था, 1953 में, 1953 में जो इसकी स्थापना की गई थी। अब आप लोगों को एक और बनाया जा सकता है, ये आप लोगों का कौन सा है, ताप विद्युत केंद्र, मतलब सीधा से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है लेकिन इसके द्वारा लाइट सॉरी जो ताप टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है। अगला आप लोगों का वाटर एनर्जी या जल विद्युत केंद्र आप लोगों का है, तो पहला जल विद्युत केंद्र आप लोगों को कहाँ बनाया गया, तो ये चंबल पर बनाया गया था, चंबल नदी पर, और गांधी सागर विद्युत केंद्र इसका नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, गांधी सागर विद्युत केंद्र। 1960 और 61 में जो है आप लोगों का ये मूल रूप से इसका निर्माण किया गया था। तो सबसे पहला जो आप लोगों का बनाया गया था 1953 में बना था, और उसके बाद जो बनाया गया था 1961 में, मतलब हमारा MP का गठन होने के बाद इसका निर्माण किया गया था। MP का गठन पूछा जाए तो कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अब आप लोगों को अगला जो पॉइंट बनता है कि राज्य के नगरों का 100% और गांवों का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है। विद्युतीकरण का मतलब होता है अधिकांश राज्यों में, राज्य के अधिकांश गांवों में विद्युत का पहुंच जाना या उनको समय अनुसार आवश्यकता अनुसार उनको विद्युत उपलब्ध हो जाना, ये आप लोगों को क्या कहलाता है, विद्युतीकरण कहलाता है। तो राज्य के नगरों का 100%, मतलब राज्य के नगर जो बड़े बड़े हैं उनका 100% जो है विद्युतीकरण हो चुका है, और कुछ एक गांव रह चुके हैं उनमें 97.1, मतलब कुछ एक गांव ही हैं जिनमें विद्युत नहीं है, अधिकांश गांव में जो है विद्युत पहुंच चुका है। ओके, फिलहाल इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अब आप लोगों को जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसको मैं स्पेशली टिक कर रहा हूँ रेड, ये स्टार जहाँ जहाँ बना लूँ उन पॉइंट्स को आप लोग रख लीजिए। राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में 1905 में किया गया था। तो ग्वालियर में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन किया गया था, MP में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में किया गया था 1905 में। मीन्स जब तो आप लोगों का ताप विद्युत केंद्र नेपानगर का भी स्थापना जो है नहीं हुआ था। एनर्जी ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऊर्जा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो 1905 में 240 kV की स्टीम जो है टर्बाइन से किया गया था। ये ध्यान नहीं रखना है हमको, यहाँ मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहले विद्युत का उत्पादन MP में जो ग्वालियर में किया गया था 1905 में। अब 1905 को डेट आप लोग इस तरीके से उसको ऐड कर दोगे किसे, बंगाल विभाजन से, कि 1905 में ही आप लोगों का बंगाल विभाजन हुआ था। अब ये होता है कोरिलेशन, कोरिलेशन करने से हम किसी भी चीज़ को बहुत ही बेटर तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन इज मस्ट कंपल्सरी, यदि आप लोग किसी भी चीज़ को कोरिलेट नहीं करोगे, कर दिया गया है कि काफी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्ले करती हैं, ठीक है। इसमें जो अगला आपका दिया गया है कि 10 दिसंबर 1948 को, तो 10 दिसंबर 1948 को विद्युतीय प्रदाय अधिनियम प्रदेश में जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये कब किया गया था, भाई विद्युत प्रदाय अधिनियम जो आप लोगों का एक्ट जो है MP में, वो आप लोगों का 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। और MP में जो विद्युत मंडल का गठन है वो कब किया गया था, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से एक दिन पूछा था। तो जहां मैंने स्टार लगा रहा हूँ उन पॉइंट को बिल्कुल रख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये क्वेश्चन कई दफे पूछा जा चुका है कि विद्युत मंडल का गठन कब किया गया, तो 1 दिसंबर 1950 को MP में विद्युत मंडल का गठन किया गया। और इसमें आप लोगों का ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत मंडल का मुख्यालय, तो आप लोगों को जबलपुर ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बार छोटा सा और बताना चाहूँगा रिवीजन के रूप में कि यहाँ पर मेन याद रखने लायक क्या क्या है। देखो, राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो आप लोग लगाओगे नेपानागर में। ठीक है, कब इसकी स्थापना की गई, तब आप लगाओगे 1953 में। फिर आपसे पूछा जाए जल विद्युत केंद्र कहाँ बनाया गया था सबसे पहला, तो आप लोग लगाओगे चंबल पर। चंबल में आप लोगों का अवश्य गांधी सागर विद्युत केंद्र, उसका नाम जो दिया गया है गांधी सागर विद्युत केंद्र दिया गया है। राज्य के नगरों का 100% जो जितने भी नगर हैं राज्य के सभी को जो है विद्युतीकरण कर दिया गया, मतलब सभी जो आप लोगों के नगर हैं मुख्य नगर उनमें विद्युत आप लोगों का पहुंचा दिया गया है। गाँव में 97% जो है बिजली पहुंच चुकी है। सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कहाँ किया गया था, तो आप लोगों का ग्वालियर में किया गया था। कब किया गया था, 1905 में किया गया था। आप लोगों का विद्युत प्रदाय अधिनियम जो आप लोगों का एमपी में है कब लागू किया गया, 1948 को किया गया। और विद्युत मंडल का गठन कब किया गया, 1950 को किया गया। 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो मुख्यालय जो आप लोगों का है कहाँ है भाई, जबलपुर में स्थित है। तो इसमें से आप लोगों को कोई भी पॉइंट पर कोई इशू जो है नहीं होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं अगले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट का अगला पेज जो आपके सामने दिया गया है। देखो, आप लोगों का यहाँ और यहाँ छोटा सा वो है कि ये है आप लोगों का विद्युत मंडल, और अगले में जो आपको बताना है वो आप लोगों का दिया गया है कि राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का जो विद्युत मंडल से 4 साल बाद उसका जो स्थापना हुआ था, इसका 50वां हो गया और इसका 60वां, मीन्स 10 साल बाद उसका जो है हुआ। और इसका मुख्यालय जो आप लोगों का है भोपाल में, मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो ये आप लोगों का निगम का स्थापना 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। और ये पुराना जो मैंने आपको बताया विद्युत मंडल है, और विद्युत मंडल का मुख्यालय आप लोगों का कहाँ है भाई, जबलपुर में है। ठीक है, अब आप लोगों का ये अगला पूछा जा रहा है कि विकास के उद्देश्य से 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप लोगों को रटने वाला इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों का इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक पॉइंट याद करना है कि बृहत स्वरूप इसका जो पुनर्गठन किया गया था वो उत्पादन पारेषण एवं वितरण हेतु कंपनी अधिनियम एक लागू किया गया था 1956 में। इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन किया गया। देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर विद्युत मंडल का गठन है भाई, गठन तो 1950 में किया गया था, लेकिन पुनर्गठन की बात कर रहा हूँ। तो पुनर्गठन जो आप लोगों का है वो आप लोगों का 1956 में किया गया था, और 5 कंपनियों का गठन 2002 में किया गया, मतलब 1956 के तहत पुनर्गठन कर एक और पुनर्गठन हो गया 2002 में हुआ है। मतलब इसमें 5 कंपनियों ने मिलकर के, आपको पता है कि एमपी में इलेक्ट्रिसिटी जो है गवर्नमेंट वाली नहीं है, अब आप लोगों का प्राइवेट बिजली सप्लाई होता है, समझ रहे हो बात को, इस बिजली का ठेका दे रखा है। ये 5 कंपनी अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रबंधन के लिए जो है स्वतंत्र रहते हैं, और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के प्रति जो है उत्तरदायी रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से, और क्वेश्चन से अच्छा, वो 5 कंपनियां जो आप लोगों की 2002 में जो है वो कर रही है ना, 2002 में जो आप लोगों की कर रही हैं उनको आप आने दीजिए। 2002 में जो आप लोगों का 5 कंपनियों का जो गठन किया गया था, उन 5 कंपनियों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 5 कंपनियां जो है आप लोगों की ये लिखी गई है। पहला, उसका नाम आप लोगों को बताया गया, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर। तो आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पर जो याद रखना है 5 कंपनियां, वो मैं मेन मेन लाइन याद कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश तो ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र के लिए जो की गई उसका जो है सेंटर उज्जैन संभाग में पड़ता है, इंदौर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र का विद्युत वितरण के लिए देखो अलग अलग 5 कंपनियों ने एमपी को 5 भागों में बांट लिया लगभग, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि हमको देखने से लग रहा है कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र के लिए आप लोगों का जो है संभाग कहाँ चुना गया, उज्जैन संभाग चुना गया। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र के लिए संभाग चुना गया ग्वालियर चंबल संभाग चुना गया। ठीक है, और होशंगाबाद संभाग भी इसके अंतर्गत आता है। तो बिजली लिमिटेड कंपनी जो आप लोगों का मूल उसका संयंत्र स्थापित किया गया था आप लोगों का भोपाल में स्थापित किया गया, भोपाल ग्वालियर चंबल, मतलब ये 3 संभागों को मिलाकर काम हो रहा है यहाँ पर। अगला जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है 5 कंपनियों के नाम है, इसमें आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आने लायक हो, इसके लिए आप परेशान ना हो तो भी बेटर रहेगा, कोई परेशानी यहाँ पर हमको नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि 3 ऊर्जा अनुसंधान विकास केंद्र एमपी में जो है स्थापित किए गए हैं, उनके तीनों के नाम आपको होना बहुत ही आवश्यक है, याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो नाम तीनों में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला आप लोगों का एक प्रशासनिक अकादमी है, वो आपको कहाँ है भाई, भोपाल में स्थित एक देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है। कई दफ़े डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय आपका कहाँ है,
तो आप लोग हल्के से टिक कर दोगे कहाँ है भाई, इंदौर में स्थित है, ठीक है। आप लोगों का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये आप लोगों का है महू, महू कहाँ पड़ता है भाई, इंदौर के पास में पड़ता है महू, सुना होगा शायद आप लोगों ने। अब चंबल का मैंने उद्गम स्थल आपको बताया था, चंबल कहाँ से निकलती है, मऊ जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है इंदौर के पास से। तो इसी तरीके से जो आप लोगों का जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर जो राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का संस्थान है वो आप लोगों का मऊ में स्थित है, इंदौर के आसपास पड़ता है, ये आप लोगों का इंदौर में ही, मतलब लोग ये दोनों पास में ही है, सेंटर में ही, तीनों ही ऊर्जा अनुसंधान विकास केंद्र आप लोगों के। देख प्रकाशिक प्रशासनिक अकादमी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान। सर्वाधिक बुद्धिकृत ग्राम वाले जिले, मतलब उनके गांव में सबसे बिजली का जो व्यवस्था किया गया है, सीहोर है, इंदौर है और खंडवा है। खंडवा मीन्स हर एक गांव में बिजली है, खंडवा में 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, सीहोर में 92% और इंदौर में 99% है। चलो अच्छा है फिर भी। एक अब एक अपडेट आंकड़े हैं 2013 के, जो कि आप लोगों को कोई मतलब के नहीं है, और 2020 के आंकड़े अभी आए नहीं है। प्रीलिम्स देने से पहले इन आंकड़ों को एक बार आप बदलते हुए आंकड़ों को पढ़ के हुए जाओगे। मैगजीन्स जो आप लोगों के लिए आती हैं रेगुलर अपडेट वाली, अपडेट जो आप लोगों का कोई वीकली आता है, कोई मंथली आता है, तो उन मैगजीन्स को जो है अपडेटेड पढ़ते रहना है, ठीक है। यदि आप रियल तरीके से कोई भी चीज़ को क्रैक करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही होगा। हाँ ठीक है, 2013 की जनगणना, 2013 की रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो विद्युत का उत्पादन जो है 2009 में इतना मिलियन किलोवाट किया गया, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ से जो याद रखने वाला डाटा नॉर्मल है, नॉर्मल जो डाटा आप लोगों का है, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत जो आप लोगों का है वो प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 349, मतलब 300 साढ़े 300 आप लोग इतना ध्यान रख सकते हो, इतना आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। देखो यहाँ पर जो आप लोगों का 2012-13 की परियोजनाएं आप लोगों को दी गई हैं, तो 12-13 की परियोजनाओं के अकॉर्डिंग कुछ एक परियोजनाएं आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, इसमें 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाना है, इसमें जो आप लोगों की है ना सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ये आप लोगों की है 1200 मेगावाट तक की, ठीक है। कुछ एक देखो साधन जो आप लोगों के हैं वो परंपरागत हैं, कुछ एक गैर परंपरागत है, तो आप लोगों को पहले तो गैर परंपरागत पढ़ाता हूँ। तो परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होता है, परंपरा, परंपरा भाई प्राचीन होती है, थोड़ा सा मैं आपको जोड़ना चाहूंगा जैसे आप लोग भूलोगे नहीं, परंपरा आप लोगों की प्राचीन रहती है, और प्राचीन परंपराओं का मतलब सीधा सीधा ये है, प्राचीन बातों, प्राचीन चीजों की बात की जा रही है, प्राचीन चीजों की बात की जा रही है, मीन्स आप लोगों को कहीं ना कहीं पुराने जमाने में बने हुए ईंधन की बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म में वही ईंधन बन पाता है जिसको ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, काफ़ी लंबे समय में इनका निर्माण हो पाता है, लंबे समय में निर्माण हो पाता है, तो ये जो आप लोगों के हैं वो परंपरागत साधन है, मतलब बहुत लंबी परंपराएं चली आ रही हैं जब जा करके आज हमको उपलब्ध हो पाया, ये आप लोग ऐसे इसको जोड़ सकते हो। इसका डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो ये होता है कि ऊर्जा के वे संसाधन जो द्वारा उनको उपयोग ना किया जा सके, परंपरागत साधन कहलाते हैं, ठीक है। अब गैर परंपरागत उसको ही बात कर रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन जिनको हम कभी भी बना सकते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से भी उनको बना सकते हैं, गैर परंपरागत है ना, जैसे कि सौर ऊर्जा आप लोगों की है, सौर ऊर्जा जो आप लोगों की गैर परंपरागत साधन है भाई, कभी भी बनाओ, ऐसा तो नहीं है कि जो है आज से, आज सूर्य निकला है, आज से 10,000 साल बाद आपके लिए बिजली बनेगा, ऐसा नहीं है। सूर्य निकला, फटाक से बिजली बनाओ, उसका उपयोग करो, नॉट टू वरी। अब सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, इसको अपन कहते हैं सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, हम अपने घरों में तो लगाते हैं एक एक प्लेट, लेकिन जो लोग प्लांट लगाते हैं वो इतना प्लेटें लगाते हैं कि भाई एक अच्छा सा पावर हाउस अपने घर में ही खड़ा कर लेते हैं, जैसे कि झाबुआ हुआ, बैतूल, होशंगाबाद जो आप लोगों के जिले हैं ना, इन जिलों में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाया जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जितने भी सरकारी भवन हैं उन पर सोलर प्लेट होना अनिवार्य होना चाहिए। आपको पता है एनर्जी के दौर से जो हमारे पर ऊर्जा संकट बहुत ही ज़्यादा संगीन केस है, अभी भारत में देखा जाए तो भारत के हर राज्य में ये लागू होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो झाबुआ, बैतूल और होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में 3 जिलों ने ही इसको लागू किया है। बस सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना जो है प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया था। बिल्कुल भाई, डिजिटल सिटी अपनी औद्योगिक राजधानी है एमपी की, तो बिल्कुल होना अनिवार्य है। और सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग प्रदेश के झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, ठीक है भाई।
मध्य प्रदेश सोलर कुकर के उपयोग के मामले में प्रथम स्थान है। सोलर कुकर तो आप लोग जानते होंगे कुछ इस तरीके की रचना रहती है। साइंस में मुझे उसका जो डायग्राम अच्छे से याद है, मैं आप लोगों को यही बना करके दिखाता हूँ। बिल्कुल 3D ही बनेगा, परेशान नहीं होना है आपको, है ना। इस तरीके से कुछ बनता है और ऊपर आप लोगों का जो है ऐसे प्रकाश की किरणें आती है ना। तो ये यहाँ पर चार ओवन टाइप के रहते हैं जिनमें आप लोगों को खाना पकाया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र जो है आप लोगों कहाँ है भाई? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है तो आप लोगों का इटारा से होशंगाबाद में लगाया गया। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही फख्र की बात है। कसूरा ग्राम इंदौर जो आप लोगों का पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर आप लोगों का गांव है। सौर ऊर्जा आधारित शीत गृह भोपाल में लगाया गया है। शीत गृह आप लोगों का क्या होता है, आप लोग नॉर्मली जानते हो, जिनमें ठंडक के लिए बनाए जाते हैं शीत गृह, किसी भी चीज को स्टॉक के लिए बनाया जाता है शीत गृह, ठीक है। तो इस वाले जो पेज में आप लोगों के लिए कुछ एक मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिन चीज़ों को आप लोगों को याद करना है, या मैं उसको टिक कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों का पहली वाली लाइन में ही आप लोगों को जो याद करने वाली चीज़ है वो सबसे पहले यही है कि वो जिलों के नाम। सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट जो आप लोगों का है वो झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद आप लोगों का इसमें होगा। तो ये तीन जिलों के नाम आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। फिर आप लोगों का ये पूछ रहा है सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना प्रदेश में सर्वप्रथम, तो प्रदेश में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा इंदौर में स्थापित किया गया, जो कारखाना जो आप लोगों का इंदौर में स्थापित किया गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें जो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे विश्व का सबसे बड़ा, तो इसको लाइन को पूरा ही अंडरलाइन करना पड़ेगा। कहाँ लगाया गया? इटारसी, होशंगाबाद। अगला जो आप लोगों का है कस्तूरबा ग्राम इंदौर पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित ग्राम है, मतलब यहाँ पर बिजली आती तो है लेकिन अधिकांश जो है पूर्णतः बोल रहा है, तो मीन्स बिजली का कनेक्शन होगा लेकिन अधिकांश लोग जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। शीत गृह जिनमें ठंडक शीत जो पहुँचाया जाता है, इनको स्टॉक के रूप में भी यूज किया जाता है गवर्नमेंट रूप में ना, तो शीत गृह आप लोगों को भोपाल में लगाया है। तो ये आप लोगों को जो मैंने टिक किए हैं इन पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात की जाती है भाई जैव ऊर्जा, ये आप लोगों के ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। गैर परंपरागत, परंपरागत को बनने में काफी समय लगता है। गैर परंपरागत तो देखो परंपरा प्राचीन काल से चली आती है तब जाकर के कुछ बन पाता है। गैर परंपरा कभी भी बना दो, अभी खड़ा कर दो, सब तैयार है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को बायोगैस दिख रहा होगा भाई। बायोगैस प्रदेश में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के माध्यम से 2010 तक 19,540 से अधिक संयंत्रों का निर्माण राज्य में बायोगैस प्रदेश, ये आप लोगों को इसमें कुछ याद नहीं करना है। फिलहाल आप लोगों को बायोमास राज्य ध्यान रखना है। राज्य में जो परियोजनाएं हैं वो अधिकतम 25.43 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। और इस वाले में आप लोगों को एक और पॉइंट याद रखना है कि धार जिले में जो एक गांव है जादूखेड़ा, वहां पर भूसी आधारित विद्युत संरचना, भूसी आधारित ये बायोगैस का ये एक संयंत्र होता है। भूसा आप लोग देखते हो, भूसा आप लोगों ने सुना होगा, भूसा आप लोग कहाँ जानने वाले, तो भूसी जो आप लोगों का रहता है उससे सड़ाया जाता है, फिर उससे जैव ऊर्जा बनाई जाती है, उसके बाद आप लोगों का बिजली बनाया जाता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है लेकिन जो भी हो फिलहाल वहाँ पर भूसी आधारित संयंत्र जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को क्या स्पेशली ध्यान रखना है कि कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आप लोगों का इंदौर में लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे जो अवशिष्ट कचरे से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सिर्फ कटवा जो खरगोन में होता है, आई थिंक ये होता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसको भी शायद कुछ ना कुछ यदि नुकसान ही होता हुआ जिसके चलते कम इसका उत्पादन किया जाता है, यदि कुछ ज़्यादा फायदा होता तो सरकार अभी तक इसे हर जगह अप्लाई कर देती है। कचरे की कमी हमारे पास तो नहीं है, कचरा तो इतना भरा पड़ा है कि भाई सब कुछ है ना कुछ जो कमी आप लोगों का आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसी में कोई ना कोई परेशानी होगा, कोई पॉल्यूशन इसमें ऐसा होगा जिसके चलते जो है एयर पॉल्यूशन होगा या कोई ना कोई ऐसा पॉल्यूशन तो होगा जिसके चलते आप लोगों का नहीं हो पा रहा है ना। अब बायोमास में बिजली उत्पन्न करने वाला देश का पहला गांव जो आप लोगों का कौन सा है, तो बायोमास में जो है आप लोगों का बिजली उत्पन्न करने वाला पहला गांव
देश का पहला गांव कराई है, कराई गांव जो आप लोगों का बैतूल में पड़ता है आप लोगों का, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि बायोमास में बिजली उत्पन्न करने वाला देश का पहला गांव कौन सा है, तो ये वाला आप लोगों का है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है, ठीक है। अब फिर आप लोगों का ये वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट लाइन के रूप में आप लोग याद रखना है कि प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादन करने का एकमात्र संयंत्र आप लोगों का भोपाल में है, संयंत्र एकमात्र आप लोगों का भोपाल में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अपचिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन कटवाओं खरगोन में, ये प्रथम बार होगा, लेकिन वर्तमान में आप लोग भोपाल जाते होंगे तो भोपाल से लगभग स्टेशन से यदि बात करूँ तो 5 किलोमीटर पहले आप लोगों की अजीब सी गंध आती है, जो आप लोगों का वहाँ पर जो कार्यक्रम चलता है वो विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम चलता है, निजी कह सकते हैं निजी क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जाता है भोपाल में ही। अब आप लोगों को गन्ने की खोई से आप लोगों ने सुना होगा, गन्ने की खोई जैसे कि मैं बात करूं, किसी भी चीज़ को जब जला करके किसी भी चीज़ से आप लोगों का विद्युत उत्पादन किया सकता है, किसी भी चीज़ को जला करके विद्युत उत्पादन किया सकता है, बशर्ते वो प्रदूषण कम करना चाहिए। जैसे उनको यदि जलाया जाएगा तो जलने से जो भाप उत्पन्न होगी, भाप से पानी को खदकाया जाएगा, स्टीम वाले जो इंजन है उससे हम लोग जो है टर्बाइन अपना घुमाएंगे और विद्युत बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है प्रदूषण ज़्यादा होगा, वायु प्रदूषण आप लोगों का होगा, इसीलिए इन चीज़ों को बड़े स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। सिर्फ आप लोगों का जल विद्युत ही ऐसी है जो पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाती है, ऐसा नहीं है भाई जल विद्युत क्षति नहीं पहुंचाता, जल विद्युत भी बहुत क्षति पहुंचाता है। जल विद्युत परियोजनाएं जहां पर भी लागू होती हैं वहां के आसपास के क्षेत्र की तो जैव विविधता नष्ट ही हो जाती है, काफी नुकसान भी होता है हर जगह में, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों को याद करना है वो मैंने आप लोगों को टिक कर दिया है, एक ये वाला भूसी आयादार संयंत्र और आप लोगों का अपशिष्ट कचरे का उत्पादन, ये वाला भोपाल वाला नहीं, देश का पहला जो बायोमास बिजली वाला है, इसको भी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों का ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद करना है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा। भाई मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना कुछ ऐसी है कि पवन ऊर्जा यहाँ पर पवनें जो है, देखो मानसूनी पवनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि मानसून निकलता भी इधर से ही है और आता भी इधर से ही, मतलब मध्य प्रदेश के तो पवन ऊर्जा में बहुत ही बोलें तो चंगे है ना, निकलते समय भी मानसून आप लोगों का उत्तर मध्य प्रदेश निकलता है, लौटते समय भी आप लोगों का उत्तर मध्य प्रदेश ही लौटता है, तो भाई यहाँ पर आप लोगों का आसानी से ये काम किया सकता है। राजस्थानी जो आप लोगों का MP का मैंने पहले दिन मैप आपको दिखाया था, ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर जो एरिया आप लोगों के पड़ते हैं यहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र काफ़ी ज्यादा मात्रा में लगाए गए हैं ना, काफ़ी ज्यादा मात्रा में लगाए गए हैं, तो थोड़ा सा इनको और देख लेते हैं। भाई सबसे पहले यदि बात की जाए कि जो है पवन ऊर्जा संयंत्र जो आप लोगों का स्थापित किया गया, देवास के निकट प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना का जो है मूल रूप से जो है उसका अनावरण किया गया, या बोल दें आप लोगों का जगह जो आप लोगों का है वो जमागोद रागी में, निजी क्षेत्र के साथ बैतूल और शाजापुर में पवन ऊर्जा जो है स्थापित की गई। सबसे पहले जो आप लोगों का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो आप लोगों की चलाई गई थी वो बैतूल और शाजापुर की सहयोग या कहें कि उनकी साझा परियोजना जो है वहाँ पर चलाई गई थी। जो मैंने आप लोगों को स्थान बताया है ना जम गोदरानी, भाई जम गोदरानी के पवन ऊर्जा संयंत्र तीन भागीदार हैं, तीन भागीदार में आप लोगों का MP का भी नंबर जो है, MP तो है ही खैर, जो है उसके मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का उसमें भाग है, इंडियन ट्रिब्यूनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो आप लोगों का दिल्ली का उसका भी भाग है भाई, कंसल्टेड एनर्जी काउंसलेंट जो है प्राइवेट लिमिटेड इसका भी भाग है, तीनों संयुक्त कंपनियों का नाम मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड है। तो आप लोगों को यदि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो टिक करना होगा कि आपका जमा गोदरागी में जो आप लोगों का है, जमा गोदरागी में जो आप लोगों का पवन ऊर्जा केंद्र है वो फाइनली कौन सी कंपनी वहां पर काम कर रही है, तो आप लोग जब टिक करोगे तो आप लोगों को टिक करना है मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड। सर्वाधिक पवन चक्कियां जो आप लोगों की लगी हुई है इंदौर जिले में लगी हुई है, और गुना एवं मंदसौर में यदि बात की जाए तो मॉनिटरिंग कार्यक्रम का जो विद्युत उत्पादन किया जाता है गुना एवं मंदसौर में भी, और पहली देश की पहली संयुक्त क्षेत्रीय कंपनी मध्य प्रदेश विंड फार्म जो आप लोगों का है गठित की गई, और वही जो कंपनी आप लोगों की है वो यहाँ पर काम कर रही है, आप लोग देख सकते हो मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को जो है गहन तरीके से समझना है, कहीं पर भी कोई परेशानी जो है आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है आप लोगों का इस वाले पॉइंट में जो चीज़ भी याद रखना है वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पर जो याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक पवन चक्कियाँ जो आप लोगों की कहाँ इंदौर जिले में हैं, और इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो कंपनी का नाम जो मैंने आपको बता दिया वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मेन आप बात की जाएगी राज्य के एकल और संयुक्त जल विद्युत ग्रह है, भाई किसी राज्य का पर्सनल है, राज्य तो खैर MP की बात कर रहा है तो भाई MP में किसी जिले का पर्सनल है, व्यक्तिगत तो इतनी बड़े काम जो है नहीं हो सकते, हालांकि करने को सरकार मना नहीं करती है,
फिर भी लेकिन प्रकृति पर पाबंद लगाना हर किसी के बस की बात तो है नहीं कि मतलब निजी अपना बांध बना लिया जाए, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन करने वाले तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल जो हमको पढ़ना है, जो आप लोगों को पूछे जाते हैं, उन पर मैं स्पेशली टिक करना चाहूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं मैं उन पर टिक करूँगा। सबसे पहले भाई आप लोगों का चंबल नदी के बारे में बात करेंगे, जो हमारे ग्वालियर से निकलती है, ग्वालियर से थोड़ा सा आगे से निकलती है। उस पर जो आप लोगों की परियोजनाएं चल रही हैं, तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी जो परियोजना आप लोगों की यहाँ पर चल रही है वो है आप लोगों की राणा प्रताप सागर, जो चित्तौड़ में आप लोगों की चल रही है। 172 मेगावाट वहाँ पर ऊर्जा बनाई जाती है। सेकंड स्थान पर इंदौर मंदसौर में आप लोगों को चल रही है गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी पर है दोनों ही। तीसरा आप लोगों का कोट में चल रहा है 99 मेगावाट का जवाहर परियोजना। कुल यदि बात की जाए 386 में, और मध्य प्रदेश का हिस्सा जो 193 वाट का है, जो कुल जो ये आप लोगों की तीनों जोड़ के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों की तीनों बनी हुई हैं कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से बनी हुई हैं। क्योंकि जो चंबल जो आप लोगों की निकलती है वो ऐसे मऊ जाना पाए कि पहाड़ी से निकल तो जाती है, निकलते निकलते ऐसे राजस्थान में पहुंच जाती है, फिर ऊपर आके आप लोगों का मुरैना ग्वालियर में प्रवेश कर जाती है। वो आगे जाकर के आप लोगों ने बताया था यमुना की सहायक नदी बन जाती है, यूपी में जाकर के यमुना मिल जाती है चंबल, है ना। तो ये जो आप लोगों का है कुल मिलाकर के 386 वाट बनता है, वो हमको 193 वाट ही मिलता है, हम इतने में ही खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं है भाई। फिलहाल लेकिन चंबल का क्वेश्चन जो बनता है कि सबसे बड़ा बांध जो आप लोगों का बनाई हुई परियोजना चल रही है वो राणा सागर चित्तौड़, राजस्थान चित्तौड़ में जो आप लोगों की परियोजना चल रही है वो आप लोगों की राणा प्रताप सागर जो परियोजना का नाम है। अगला जो आप लोगों का है पैंच छिंदवाड़ा, वहाँ पर भी आप लोगों की ये परियोजना है। एक बाण सागर पे आप लोगों का देखो टोंस नदी पर जो बनी हुई है बोबाला रानी अवंती भाई बारगी परियोजना, इस पर क्वेश्चन मैंने कल परसों ही आप लोगों को पूछा गया था। बारगी परियोजना का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है वो राजघाट परियोजना जो आप लोगों की बनी हुई ना, राजघाट परियोजना आप लोगों की ललितपुर में बनी हुई है, ये आप लोगों को स्थान ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉर्मली ये चीज़ें आप लोगों को बस बाण सागर वाली सीधी शेड्यूल वाली, ये बाण सागर कितनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, मेन जो आप लोगों को पूछी जाती है वो मैंने आपको टिक कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जो आप लोगों का है कि 400 मेगावाट का समान ऊर्जा प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है सीधी में निजी क्षेत्र में प्रस्तावित है, मतलब किसी का पर्सनल है वो, है ना, गवर्नमेंट रूप में नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी जो आप लोगों का रहता है वो सभी जनता के लिए रहता है। बीना में भेल द्वारा भारत का प्रथम हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया ये आप लोगों को पता होगा भाई, बीना में। आप लोगों का महेश्वरी जल विद्युत और पैंच तथा विद्युत परियोजनाओं का निजी क्षेत्र को सौंपी गई, निजी क्षेत्र का मतलब होता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां उनको ले लेती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जो बिजली आप लोगों की चल रही है वो पता होना चाहिए भाई प्राइवेट लिमिटेड है, किसी कंपनी के द्वारा ये विद्युत आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। अब एमपी में बात करें तो ग्वालियर हो गया, रामपुर, इंदौर, नीमच जिले में गैस और डीजल के संचालित विद्युत केंद्रों की स्थापना हो रही है, बस यहाँ पर आप लोगों को और ये एनटीपी वाला नहीं करना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको ये वाला है हाइड्रेल जल पंप यानी कि संचालित पानी से संचालित पंप जो आप लोग रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली कैसे हो जाती हैं, समथिंग लाइक इस डिफरेंट जो चीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हाइड्रेल जल पंप जो आप लोगों का है जो बिना विद्युत के पानी के दबाव से सिंचाई कर सकते हैं करते हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 30 हाइड्रेल पंप भोपाल और निमाड़ क्षेत्र में कार्य करते हैं, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत का प्रतिशत क्रमशः उद्योग, कृषि एवं घरेलू कार्यों में होता है। तो ये आप लोगों को नहीं करना है, फिलहाल आप लोगों को ऊपर वाला करना है कि मध्य प्रदेश में लगभग 30 हाइड्रेल पंप भोपाल निमाड़ क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रेल पंप सबसे ज्यादा जो आप लोगों के हैं वो खरगोन जिले में प्रयोग किए जाते हैं, सर्वाधिक बात की जाएगी तो आप लोगों का सबसे अधिक खरगोन जिले में हाइड्रेल पंप, मतलब पानी ही चलने वाले पंप। और भाई पानी से जो पंप आप लोगों का चलेगा वो आप लोगों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो ऑटोमेटिकली, है ना। मालवा ताप परियोजना जो आप लोगों का है वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा उसको हैंडल किया जा रहा है, कंपनी का नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये तीन जो मैंने आपको टिक किए हैं 1, 2 और 3, है ना, ये वाला, इन तीनों को आप लोग ध्यान रखोगे और लिख भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है ऊर्जा खपत का प्रतिशत क्रमशः उद्योग, और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा आप लोगों का लगता है, खर्च जो आप लोगों का रहता है वो उद्योग में होता है, घरेलू कार्यों में तीसरे नंबर पर आता है, वो आप लोगों को बोल रहा है ना प्रतिशत क्रमशः, सबसे पहले आप लोगों को उद्योग में होता है, फिर कृषि कार्य में होता है, फिर आप लोगों को घरेलू कार्य में होता है।
और आप लोगों का यहाँ पर, हाँ ये जो मैंने अभी छुड़वा दिया जो पीछे आप लोगों का, इसमें जो आप लोगों का एनटीपीसी द्वारा छतरपुर जिले में 4000 मेगावाट का पावर हाउस लगाया गया है। तो ये जिला आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनटीपीसी द्वारा हाल ही में जो है एनटीपीसी रेलवे में आप लोग देते हो एनटीपीसी, वही वाला विभाग यहाँ पर काम कर रहा है। छतरपुर जिले में जो है पावर हाउस लगाया गया है 4000 मेगावाट का पावर हाउस, काफी बड़ा है ये आप लोगों का, है ना। अब मध्य प्रदेश के मंडला जिले में चटका गांव, चटगांव जिसको हम वैसे नॉर्मल बोलते हैं चटका गांव, लेकिन इसका खुला जो नाम आ रहा है चटगांव कहते हैं वैसे उसको। तो मंडला जिले में स्थित है, आपको जिला याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आप लोगों का कहाँ, मंडला जिले में लगा हुआ है। और मंडला जिले में भी आप लोगों को गाँव नाम ध्यान रखना है चटका गाँव, ठीक है, स्थापित किया गया है। ताप विद्युत केंद्र के कुछ एक डाटा आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसको आप लोग मैं पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लोगे। बस मैं आप लोग टिक करा सकता हूँ कि क्या क्या इंपोर्टेंट आप लोगों का है। सबसे पहला जो अमरकंटक अनूपपुर वाला जो है ये आप लोगों का है, और यहाँ से जो विंध्याचल वाला सिंगरौली कोयला और रिहंद पानी वाला और पैंच छिंदवाड़ा दाधुनी वाला इतना नहीं आता है, संजय गांधी उमरिया ये आप लोगों का काफी इंपोर्टेंट है। ये आप लोगों का तीन चार जो आप लोगों के ताप विद्युत केंद्र है इनका काफी ज्यादा मानवीय परियोजना धार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल चार को आप लोगों को रट लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, इनकी भी नहीं, इनकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ मैं आप लोगों को ले आता हूँ। ये सारी चीज़ इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप लोग पीडीएफ में से एक बार नजर मार सको, है ना। यहाँ पर जो कुछ एक केंद्र हैं उनसे कौन कौन से राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। जो संयुक्त तो परियोजना है वो काफी जाना आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे गांधी सागर आप लोगों को परियोजना है 50-50 का भैया है, आधा तुम आधा हम, राणा सागर रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में जो बना हुआ है उसमें भी आप लोगों का मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान के तीनों परियोजना बनी हुई, गांधी सागर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों के तीनों ही आप लोगों का चंबल नदी पर बनी हुई है। मैंने आपको बता दिया चंबल नदी जो है राजस्थान की गंगा भी कहलाती है, राजस्थान में जीवनदायिनी जो है नदी के रूप में काम करती है वो, जब गर्मियों में कहीं पानी नहीं बचता जब चंबल का पानी काम आता है राजस्थान में, है ना। और आप लोगों का यहाँ पर पैंच जल विद्युत परियोजना आप लोगों का मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं, संयुक्त परियोजनाएं काफी आप पूछी जाती हैं। महेश्वर जल विद्युत परियोजना जो आप लोगों का महेश्वर धार में जो बना हुआ है ना, सरदार सरोवर की उप परियोजना के रूप में ये काम कर रहा है, और स्थापना वर्ष आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा नीचे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो यूट्यूब वाले, और आप लोगों को तो डायरेक्टली ही मिल जाएगा अनअकैडमी वालों को, ओके। अब यहाँ तक जो है आप लोगों का आज का ऊर्जा वाला पोर्शन जो मुझे कंप्लीट करवाना था, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ, अब आज के जो एमसीक्यू की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं होगी, यदि किसी भी पेज पर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो आप लोग आसानी से मेरे से पूछ सकते हो, इसका पीडीएफ आप लोगों को स्वतः ही उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज के हम एमसीक्यू की ओर शुरुआत करते हैं, कुछ एक रेगुलर यदि एमसीक्यू होते रहेंगे तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहेगा।